अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस्माइल रेहान और आप देख रहे हैं डेक्कन एक्सप्रेस। वोट जिहाद के बयान से समाज में मजहबी इख्तलाफ पैदा होने का खदशा। शरद पवार ने कहा, बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करके समाज में फूट डालने की कर रही है कोशिश। झारखंड में बीजेपी का इश्तहार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार, इलेक्शन कमीशन ने हटाने की दी हिदायत। दिल्ली में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन की तैयारी, रोहंग्या और बांग्लादेशी निशाने पर। बांग्लादेश शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश करेगा, उबरी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। तुर्की ने इसराइली सदर के तैयारे को फिजाई हदूद में दाखिल करने से रोक दिया, दौरा आज़रबाईजान मनसूख। शुमाली गजा में झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजी हलाक, 1 शदीद जख्मी। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने आलूदगी बहरान पर मरकजी हुकूमत की आदम तवज्जोही पर सख्त तनकीद की। मणिपुर के JDU MLA अब्दुल नासिर ने वजीर आजम को खत लिख कर जिरीबाम में खवातीन और बच्चों के कातिलों को दहशतगर्द करार देने का किया मुतालबा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।